हेलो 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 फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश मूरी घंटो। इसके लिए हमें चाहिए मूंग दाल, बॉईल किया हुआ, हल्दी देके इसको बॉईल किया। मूंग दाल को पहले भूनने का, फ्राई करने का, हल्का फ्राई करने का, फिर उसे बॉईल करने का हल्दी के साथ। और चाहिए सूखा मिर्ची, तेज पत्ता, बड़ी इसके लिए हमें चाहिए सूखा मिर्ची, तेज पत्ता, गरम मसाला, इलायची, दालचीनी, लौंग, और चाहिए जीरा, बड़ी सौंफ, जीरा पाउडर, भुना जीरा एंड धनिया पाउडर। फ्राई करके उसको पाउडर बनाना पड़ेगा। हल्दी और धनिया पत्ता, बारीक काटा हुआ हरा धनिया पत्ता, घी, रेड चिल्ली पाउडर, नमक, राई, सरसों का तेल, व्हाइट ऑयल, एक बारीक काटा हुआ प्याज, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, और बड़ी मछली का मुंडी, काटा हुआ मुंडी चाहिए, रू या कतला, और दूसरे बड़ी मछली का मुंडी से भी ये हो सकता है। अभी हम काटा हुआ मुंडी में नमक देंगे, और हल्दी, और थोड़ा सा व्हाइट ऑयल मिक्स करके हम इसे देके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करना है। देखिए ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे व्हाइट ऑयल से। हमने एक पेन लिया, अब हम इसको गरम करेंगे। देखिए गरम होने के बाद हम इसमें 3 से 4 चम्मच व्हाइट ऑयल डालेंगे। आप सरसों का तेल से भी फ्राई कर सकते हैं। अभी तेल गरम होने के बाद हम इसमें वो मछली का मुंडी डालेंगे। देखिए तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें मुंडी डालेंगे। अब हम इसे ढक देंगे। दो बड़ा मुंडी है, अभी हम ढक्कन निकालेंगे और इसे उलटाएंगे। फिर हम ढक्कन से ढक देंगे। अभी हम ढक्कन निकालेंगे और फिर हिलाएंगे। इसको अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। देखिए फ्राई हो गया है हमारा, अभी हम इसे निकाल लेंगे। अब हम फिश फ्राई किया हुआ तेल में ही थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं सरसों का तेल, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप व्हाइट ऑयल डालिए, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डालेंगे तेज पत्ता, छोटी इलायची और लौंग और दालचीनी, सूखा मिर्ची,
अब हम थोड़ा इसे हिलाएंगे। अब डालेंगे हम बारीक काटा हुआ एक प्याज। देंगे 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच बड़ी सौंफ। अब इसे अच्छा से फ्राई करना है। अभी हम आंच थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तभी हमने सब कुछ धीमी आंच में दिया, अभी आंच थोड़ा सा बढ़ाकर इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए ब्राउन हो गया है। अब हम थोड़ा सा आंच धीमी कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट ज्यादा छिटकता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे तो ज्यादा छिटक के नहीं आए। अब पानी डाल के भी अदरक का पेस्ट दे सकते हैं। अब हम इसको हिलाएंगे। अभी देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छा से मिक्स करना है। आप चाहे तो बारीक काटा हुआ टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो फिर अभी बारीक काटा हुआ टमाटर आप दे दीजिए अगर आपको ऐड करना है तो। अभी हम इसे अच्छा से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए 2 मिनट तक हम इसे अच्छा से फ्राई करेंगे। दो मिनट बाद हम इसमें डालेंगे, मैंने वो दाल आपका हल्दी देके बॉईल किया है, इसलिए हम हल्दी थोड़ा ही देंगे इसमें। और 1 चम्मच जीरा पाउडर देके इसे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी हम देंगे लाल मिर्ची पाउडर। देखिए और 2 मिनट हमने इसे फ्राई किया। अभी तेल इसका बाहर आ गया है। अब हम इसमें इसमें हम बॉईल किया हुआ मूंग दाल डालेंगे। अगर आपको इसमें पानी का जरूरत पड़ती है तो इसमें गर्म पानी ही देने का। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको सौंफ पसंद नहीं है तो इसमें सौंफ नहीं दीजिए, डालिए मत। अभी हम आंच थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको ढक्कन से ढाक देंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और मिक्स करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा उबालने लगा है। अब हम इसमें मछली का मुंडी डाल देंगे। डाल के थोड़ा सा अच्छा से मिक्स करेंगे, मिक्स करके और फिर ढक्कन से हम इसे ढाँक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन निकालेंगे और ये मुंडी को थोड़ा थोड़ा इसे दबा दबा के तोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं तोड़ने का। आँच ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, थोड़ा सा मीडियम आँच में ही रखेंगे। देखिए ये होके आ गया है,
मैंने मुंडी को तोड़ दिया। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो नहीं। मैंने थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और एक चम्मच घी डाल रही हूँ। अभी हम मिक्स करेंगे। और ढक्कन से 2 मिनट तक ढाँक देना। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता हम डाल देंगे। देखिए तैयार हो गया हमारा फिश मूरी घंटो। अगर आप ये रेसिपी घर में बनाइए और टेस्ट कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगे, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम डालेंगे इसमें फ्राई किया हुआ धनिया और जीरा का पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे। आप इसे 2 मिनट थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम में देकर ढक के रख दीजिए। देखिए तैयार है हमारा फिश मूरी घंटो।